हेलो गुलशन बंसल जी चलो आ रहे हैं अभी ना इतने हम स्टार्ट कर लेते हैं हेलो मधु संदीप जी आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे बिकॉज मैं मैसेजेस अभी रीड कर रही हूँ हेलो बबीता जी तो आई एम रेडी विद माय टूल्स है ना और आज हम पढ़ेंगे क्या राजा राव आ गए बाकी सब चलो स्टार्ट करते हैं तो 1906 से लेकर 2006 है ना अच्छा 1908 जीरो इयर्स हंड्रेड ईयर्स का हेर फेर रह गया थोड़ा सा 98 एट ही ये रहे क्या एरर हो गई अब आ रहे हैं मैसेजेस कुलवीर जी मैं ठीक हूँ हेलो गिनी जी तो अब मैसेजेस शो कर रहा है। अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन ले लेता है कभी पिंक ले लेता है कभी नेवी ब्लू ले लेता है तो स्टार्ट करेंगे राजा राव को इंडियन राइटर्स हैं कल किसी रीज़न से क्लास नहीं हो पाई सर्वर का भी इशू था देन मुझे भी कहीं बाहर जाना था तो किसी रीज़न से मैं भी लेट आई थी घर तो उतने टाइम में मुझे लगा रेस्ट कर लेना ज़्यादा थोड़ा सा बेटर है बजाय इसके चार दिन छुट्टी ली जाए तो क्या करना है इनके बारे में स्टार्ट करेंगे आज और मीन कमेंट्स कॉमेंट्स पढ़ेंगे पहली चीज के इंडियन कन्नड़ राइटर हैं ठीक है ठीके? तो कन्नड़ एक लैंग्वेज है हिंट आपको दे दिया है इसने कि साउथ इंडिया के राइटर्स हैं दूसरी बात इनके विलेज का नाम ये इनका विलेज है ठीक है और कहाँ था मैसूर में मैसूर में जहाँ से मैसूर म्यूजियम बना दिया ना मतलब म्यूजियम बना दिया गया था अगर हम आप पिछले वाले राइटर्स की क्लास में थे तो उनके घर को ठीक है जो कि आर के नारायण को हमने डिस्कस किया था हेलो मृदुला जी जगदीप जी तो मैसूर फिर से इम्पोर्टेंट है रेफरेंस तीसरी चीज़ इनके बारे में पहली एक जो चीज़ मेरे को थोड़ा सा हिंट देना है कि ये कहते हैं ना बीग एन इंडियन होने के बाद भी इन पर बहुत सारी चीज़ से ये इन्फ्लुएंस्ड रहे इंडियन कल्चर से होना तो रीज़न माना जाता है एक तरीके से मतलब समझ आता है कि अगर ये इंडियन कल्चर या इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो चलो एज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये चीज़ इन पे इम्पैक्टफुल रही बट इसके बावजूद भी मतलब ये तो एज अ बैकग्राउंड रहा कि भाई इनके नेशनैलिटी का बहुत क्लोज पार्ट था फ्रेंच यानी कि फ्रेंच लिटरेचर और अमेरिकन और इटालियन ठीक है तो अमेरिका हो इटली हो या फ्रांस हो इन शॉर्ट यूरोप के कल्चर से इनका बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं ना लिंक अप था ठीक है तो एक इम्पैक्टफुल चीज़ जो मुझे लगी आपको याद रखनी है वो ये कि अमेरिका और अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा प्रेज भी करते थे ठीक है तो अमेरिका फ्रेंच और इटली ये तीनों ही जगह के जो कल्चर थे कुछ कुछ टाइम ये रहा रहे भी और जो लिटरेचर था ना वो बहुत ही अपने हिसाब से इसको इम्पैक्टफुल ये मानते हैं जो कि कुछ हद हाँ तक इनकी राइटिंग्स में आपको हिंट मिल जाएगा तो ये एक चीज़ थी जो पहले मैं सोच रही थी मैं बाद में बताऊंगी बट मैंने बता दिया बिलोंग करते थे इंडियन फैमिली से तो बिलोंग करते ही थे मैसूर से थे यानी कि इंडियन साउथ इंडिया से ही बिलोंग करते थे फैमिली की बात करें तो जैसे आर के नारायण ब्राह्मण फ़ैमिली से बिलोंग करते थे ये भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे ठीक है अब ये थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट है ये आपको लग रहा होगा कि इसमें याद क्या रखना है दरअसल साउथ इंडिया में अगर आप जाए तो आपको जो कहते हैं ना डोमिनेटिंग कल्चर्स ठीक है तो वहाँ की लाइफ में वहाँ के रिलीजियस प्लेसेस पे पब्लिक प्लेसेस में या लोगों के कल्चर में ठीक है तो जो रिलीजन होता है उसका भी एक एस्पेक्ट होता है द वे यू कैरी योर सेल्फ द वे यू यूजली सेलिब्रेट योर फेस्टिवस तो जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो वहाँ के कल्चर में मतलब झलकता है उसके रीजन में तो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे तो अपनी आइडियोलॉजी इनकी रही होगी ठीक है और ये जरूरी इसलिए भी है बैकग्राउंड का क्योंकि अगर आप क्लास डिस्क्रिमिनेशन को उस टाइम देखें ब्रिटिश राज के टाइम में अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अगर किसी और डिविजन से शायद ये बिलोंग करते तो इतना ज़्यादा रिच हेरिटेज इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर शायद ये नहीं गेन कर पाते ठीक है तो अगर कोई पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पर अच्छा पढ़ रहा है अच्छी वेल मतलब सेटअप जैसे कहते हैं ना फैमिली से बिलोंग करता है तो सी ये रीज़न हो सकता है आपका थोड़ा सा सोचने के लिए परमजीत कौर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ से जिनको मैं नाम नहीं ले पाई मेरी तरफ से सभी को हेलो है प्यार भरा हेलो मेरी तरफ से एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ब्राह्मण फैमिली दरअसल ऑर्थोडॉक्स थी यानी कि वही ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करते हैं ईजिली से बहुत से ही आसानी से ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो मे बी मॉडर्निटी के कुछ हद हाँ तक दूर रहे होंगे नेक्स्ट चीज इनकी राइटिंग्स में यानी कि इनके वर्क में जो आपको एक डीपली रूटेड चीज मिलेगी अगर आप पढ़ेंगे हिंदुजम ठीक है तो अगेन डोमिनेटिंग रिलीजन इनके टाइम में रहा होगा तो कहते हैं ये जो फिलोसफी है ना ये जो आइडियोलॉजी है इस रिलीजन की ये इनके इसमें देखने को मिलती है नेक्स्ट चीज फैमिली की अगर बात करें तो फादर जो थे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ठीक है प्रोफेसर थे तो अच्छी बात है मतलब कुछ ना कुछ उनका भी इंपैक्ट इन पे रहा होगा नेक्स्ट चीज ये खुद क्या थे नॉवलिस्ट एडिटर प्रोफेसर है ना ऐसे लिख दिया प्रोफेसर और बायोग्राफर और नॉवलिस्ट तो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी ठीक है कभी कभार जो फिक्शन वगैरह आपको लिखा मिलेगा ना फिक्शन क्या होता है वो जॉनर होता है ठीक है कॉमेडी होता है ट्रेजडी होता है फिक्शन होता है तो इस तरीके के भी जो आप पढ़ोगे ना तो वो जॉनर होते हैं वो एक अलग चीज़ है तो ब्रॉडली देखा जाए तो नॉवलिस्ट थे अभी मुझे याद आया परसों जब क्लास नहीं थी साढ़े नौ बजे के आसपास मुझे एक कॉल आया और कॉल तो मैं नहीं उठा पाई बिकॉज़ मेरा व्हाट्सएप एक्चुअली किसी और नंबर पे चलता है और कॉल किसी और नंबर पे है फिर मैसेज आया किसी फीमेल का ही था ठीक है मैं क्यों ये कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूँ चाहे मेल मेंबर्स हो चाहे फ़ीमेल मेंबर्स हो हंड्रेड परसेंट अवेलेबिलिटी मेरी तरफ से तो अप्रोचेबल रहेगा लेकिन ये है प्लीज़ मुझे कॉल्स ना किया करें ठीक है तो एक दो बार ऐसा हुआ है कोई मेल करे फ़ीमेल करे मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा फ़ोन मोस्टली जगह ऐसे ही पड़ा रहता है और मैं दोबारा कॉल बैक करती भी नहीं ठीक है तो कॉल्स ना करें यही रीजन था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी एग्जिट हो गई हूँ और हो गई थी उस शाम को या सुबह ही हो गई थी ठीक है मेरे कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं बिकॉज चैनल चलता है तो अदर रीजंस भी हैं ठीक है थीके? तो जिसे भी जुड़ना है तो चैनल के अबाउट में टेलीग्राम ग्रुप है पर्सनली भी आप पूछते हैं मैसेजेस करते हैं कॉमेंट करते हैं तो आई यूज़ टू रिप्लाई तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे फिर यही होगा देखो मेरे अपने रीजंस हो सकते हैं मैं अपने यहाँ स्टडी टाइम है स्केड्यूल है अदर क्लासेस हैं ठीक है थीके? तो इंचार्ज भी होता है इंसान बाकी सारी चीज़ों में भी बिज़ी रहता है मैं कॉल अगर उठा भी लूँगी ना तो मैं क्लियर बोल रही हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पर दैट आई एम गोइंग टू ब्लॉक ठीक है तो अब वो बुरा लगे भला लगे बट मैंने अपने कंसर्न या रीज़न टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बता दिए तो कॉल ना करें ठीक है कॉल ना करें ग्रुप पे मैसेज आप छोड़ें या पर्सनल भी छोड़ें मैंने उस सेटिंग्स को चेंज किया हुआ है कभी मैंने हाइड नहीं किया ठीक है बट कॉल्स नहीं यार कॉल्स नहीं बिकॉज कॉल्स का क्या होता है कभी कभार इंसान बहुत अर्जेंट मीटिंग में होता है अननोन क्योंकि फैमिली भी कॉल करती है ठीक है रिलेटिवस भी कॉल करते हैं कोई अपनी ही कोलीग कॉल करती है तो so, मुझे फिर कॉल बैक करके अगर ये पता चले ना किसी स्टूडेंट का है तो नहीं यार थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है ठीक है तो अवेलेबिलिटी है मैं अवेलेबल हूं मैंने कोई भी एडमिन ग्रुप मतलब ऐसा नहीं कर रखा सिर्फ एक एक के अलावा डिस्कशन पर्पस है मैं उसके बाद भी अप्रोचेबल हूं लेकिन कॉल्स नहीं ठीक है कॉल्स का थोड़ा सा है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो प्रॉब्लम मुझे किसी से भी नहीं है बट कॉल कोई ना करे बस ठीक है मैसेज करेंगे आप आई विल बी देयर क्या रही थी आज़ यूजल इन बातों में मैं नंबर भूल गई मैं एक रैंडम नंबर एट मान लेती हूँ नाइनटीन से लेकर मतलब फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू कह रहे हो देखो ट्वेंटी एट टू नाइनटीन थर्टी नाइन ठीक है और फिर एक टाइम पीरियड आता है फ्रॉम फो फोर्टी सिक्स हाँ नाइनटीन फोर्टी सिक्स से लेकर नाइनटीन फिफ्टी ठीक है कहाँ गए ये ये आउट ऑफ इंडिया थे यानी कि ये फ्रांस में रहे और जब ये फ्रांस में रहे तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा ऐसा नहीं है कि बीच में इंडिया ने आया 1942 में मतलब 42 कह रही हूँ देख पता नहीं दिमाग कहाँ आजकल तो 1940 में ही केम बैक टू इंडिया मतलब वापस आ गए इंडिया और ये ना किसी गुरु को ढूंढ रहे थे ठीक है होता है ना कि कुछ फिलॉसफी इनको जाननी थी ये फ्रेंच मतलब फ्रांस गए यूरोप घूमे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कुछ सीख कर आए अब इनको ये था कि क्योंकि इंडियन फिलॉसफी या वेदांतिक फिलॉसफी क्योंकि यहाँ पे वेदाज या उपनिषद पढ़ते हैं ठीक है और वैसे भी ये तो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उस टाइम तो ये हुआ करता था कि जितने भी अपने फील्ड में स्कॉलर्स हुआ करते थे वो कुछ ना कुछ लिखते थे लोगों को प्रीच करते थे तो इनको एक गुरु मिले ठीक है वो क्या थे इनके गाइड रहे इनके एडवाइजर रहे तो इन गुरु का नाम आपको याद रखना है ठीक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्लीज स्वामी अलमानन ठीक है तो ये इनसे मिले और ये इनके गाइड और एडवाइजर रहे कभी कभार ये पूछ लेता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो इनको इन्होंने गुरु माना ठीक है और इनसे बहुत सारी चीजें सीखी बहुत सारे राइटर्स हमने ऐसे पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी को मेंटर समझ के ठीक है या गाइड समझ के वो गाइडेंस लिया करते हैं तो राजा राव के बारे में ये चीज है 1940 की बात है मतलब उससे पहले ये बाहर घूम आए थे पेट्रियॉटिक भी थे कैसे रेफरेंस मिलती है क्योंकि 1940 जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ ना तो उसमें भी इनकी इंपॉर्टेंट रही भूमिका तो कहा जाता है कि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे राजा राममोहन रॉय से लेकर पंडित नेहरू ठीक है ऐसे लिख दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इन फेमस पर्सनालिटी के साथ भी इन्होंने काम किया तो अब आप देखो कि कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स में भी था ठीक है तो इसके रिगार्डिंग भी आपको रेफरेंस मिल जाएगी इनका एक वर्क भी है जिसे एंथोलॉजी कहा गया है जगदीप सिंह जी कह रहे हैं आत्मानंद यही नाम है अलमानंद नन ठीक है अल्मानंद दो तीन जगह से पढ़ा लेकिन यही था पहले मुझे भी लग रहा था कुछ और नाम होगा क्योंकि वो अल्मानन जो है वो साउंड थोड़ा इंडियन जैसा नहीं करता ना बट uh, होते हैं ठीक है यही नाम है और इनके बारे में क्या बताना है हाँ मैंने पहले ही बोला परमजीत कौर जी कभी आया है परमजीत कौर जी मैंने पता नहीं दो एक जगह से पढ़ा है अगर आपके पास श्योरिटी है तो भेज दो ठीक है भाई वो कह रहे हैं ये आत्मा नन है या अलमानन है प्लीज़ इसको चेक कर लेना ठीक है इन्हीं दो में से नाम है मैं जैसे ही ऑफलाइन हो जाऊंगी तो 10-15 मिनट में चेक करके मैं खुद ही बता दूंगी तो उससे श्योरिटी आपको ज़्यादा हो जाएगी जो गाइड थे इनके यानी कि जो गुरु जी थे उनका नाम है तो काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं हाँ जी जगदीप जी मुझे खुद मतलब फिर मैंने ना दो एक जगह से और किया ठीक है ठीके? तो क्योंकि क्या होता है विकीपीडिया का क्या काम होता है रिसोर्सेज करना लेकिन मैंने बहुत पहले भी कहा है कि एडिट का ऑप्शन होता है वो आपसे आपकी ई मेल मांगेगा या फिर कहेगा कि वे फेसबुक या अदर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट की हेल्प से आप इसको एडिट कर सकते हो तो वो आपका नाम भी ना वो लिस्ट में जोड़ देता है तो कोई भी एडिट कर सकता है ठीक है तो अब इन दो में से जो आपको मिले प्लीज़ डू शेयर दैट

एंड डिग्निटी पता है किसकी पता है मैन की कि भाई लोगों को अहमियत कैसे दी जाती है ठीक है उस टाइम इन्होंने कहा होगा बीइंग एन इंडियन ये बाहर जाके अगर ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है तो अच्छी बात है और फिर इन्होंने कुछ लाइंस भी कही थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी ठीक है इसलिए मैंने इंक्लूड तो की है बट मैं आपको दूंगी नहीं क्योंकि वो आपको विकी पीडिया पर एज इट इज़ मिल जाएगी तो यहाँ सिर्फ काम की बात करेंगे अदर रीजन्स होंगे तो इंक्लूड करेंगे नहीं तो फिर एक्सक्लूड कर देंगे मैंने लिखा था वहाँ पे इनकी क्या क्या ये थे बायोग्राफर के साथ ही प्रोफेसर भी मैंने लिखा था क्योंकि इन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स भी डिलीवर किए ठीक है तो बींग प्रोफेसर इन्होंने डिलीवर किए हैं किस चीज़ के लेक्चर हैं वो थे इंडियन फ़िलोसफी के अब ये इंपॉर्टेंट है जब हम टी एस एलियट भी पढ़ रहे थे तभी हमने नाइनटीन टेन इलेवन ट्वेल्व के अराउंड ये डिस्कस किया था उनके टाइम लाइन में कि वहाँ पे उनका इंटरेस्ट इंडियन फिलोसफी और संस्कृत में जनरेट हो गया था जिसका एग्जाम्पल हमें द वेस्ल्ड में देखने को मिलता है सेम इनके साथ भी यही है कि अमेरिका यूनिवर्सिटी में ये इंडियन फिलोसफी के लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं बट ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में या अमेरिकन कल्चर में जो ट्रू बर्थ है या जो एग्जिस्टेंस है या डिग्निटी है मैन की वो ज़्यादा अच्छी है किस किस को एडमायर करते थे मतलब ये वर्क्स किस किस के पसंद करते थे पढ़ना क्योंकि जिस जिस के वर्क्स अक्सर हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी फिलॉसफी में मैंटेलिटी पे पॉजिटिव एज वेल एज शायद कुछ हद तक मतलब नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी बट अदर तरीके के भी कुछ चीज़ों को वो इंक्लूड कर लेता है तो राल्फ वाल्डो एमरसन ठीक है वॉल्ट विटमिन और हेनरी थोरू। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो राइटर्स के ये वर्क पढ़ रहे हैं ये तीनों के तीनों अमेरिकन हैं। ठीक है तो अमेरिका को प्रेज करते हैं क्लासिकल लिटरेचर की बात करते हैं कि वहां का ज़्यादा अच्छा है और उन्हीं राइटर्स को ये पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब इनको वही चीज़ अच्छी लगेगी ठीक है और इसके अलावा जो आपको रेफरेंस मिलेगी वो है एंड्री चेंज कर लिया जाए हेलो रोमनदीप लैग कर रहा है भाई बीच बीच में एंड्री मालरॉक्स अभी ये कौन है क्योंकि इनका नाम हम जनरल नहीं पढ़ेंगे एमरसन हेनरी थोरा और वॉल्ट वेटवेन को तो हम फिर भी कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर पढ़ लेते हैं रोमेन रोनाल्ड ठीक है क्रिटी भी थे रोलैंड बार से, जिनका डेथ ऑफ एन ऑथर है और यू जेपी माजनी कहीं कहीं आपको सिंगल जी मिलेगा ठीक है वैसे इसे जेड नहीं बोलते हैं जी बोला जाता है अब ये थोड़ा सा ध्यान रख लो कि कौन कौन है ये है फ्रेंच नॉवलिस्ट ये भी फ्रेंच है और ये है इटालियन मैंने आपको पहले भी ये कहा कि फ्रेंच अमेरिका और इटालियन ठीक है यानी कि इटली तो ये कुछ कल्चर था जिसको ये पढ़ते थे और एग्जाम्पल आपके सामने है कि इन इन राइटर्स को ये एडमायर करते थे ठीक है एक इंडियन भी थे कूर स्वामी करके आनंद कूर स्वामी उनके वर्क को भी ये बड़ा बेहतरीन मानते थे तो अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो आनंद कूर स्वामी ठीक है कहीं कहीं आपको ये नाम मिलेगा ठीक है तो ये इंडियन राइटर्स है जिनका वर्क इनको बहुत अच्छा लगता था अब बात करते हैं इनके वर्क की और क्या रह गया बताने को हाँ ये चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इनके बारे में जब मैं इकट्ठी कर रही थी इन्फॉर्मेशन इसके इनके बारे में ये लिखा गया है मतलब इस टॉपिक के बारे में भी बात की गई है कि ये रिस्पेक्ट करते बहुत ज्यादा वन की अब आप कहेंगे कि ये वो मो तो मोस्टली राइटर्स करते हैं 99.99 नाइन .99 पॉइंट लोग ये करते हैं इसमें कहने वाली क्या बात है पॉइंट वन परसेंट भी जो एंटी सोशलिस्ट होते हैं शायद वही नहीं करते होंगे अदरवाइज मेजोरिटी तो करते ही है बट कुछ होता है ना जैसे विकीपीडिया या अदर सोर्सेस आप पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है तो होगा कुछ ना कुछ तभी ये बोला है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी वुमेन के बारे में कि वुमेन जो है हर चीज में है एयर में है ठीक है साउंड में है ईथर ईथर एक वर्ड होता है काफी लोग इसे इत्र पढ़ते हैं जो सेंट या परफ्यूम वाला होता है ना वो नहीं है ये इथर में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यानी कि साइंस की टर्म है मैं आपको बता देती हूँ ये आपको बिकीबीडिया पे लाइन मिल जाएगी इन्होंने एक लाइन बोली है वुमन इज द अर्थ एयर ईथर साउंड फिर ये दूसरी लाइन कहते हैं वुमन इज द माइक्रो ऑज ऑफ द माइंड ठीक है तो ऑलमोस्ट जितनी भी ग्रैंड ग्रैंड चीजें ये कहते हैं हर चीज में वुमेन का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है तो एक अलग ही इन्होंने इस जेंडर के लिए बात ये बोली है ठीक है इससे मुझे याद आया जितने भी मेल मेंबर्स देख रहे हैं ग्रुप को ठीक है या आपके हस्बैंड भी हैं ठीक है ठीके? तो मेरी तरफ से आपके बिहाफ पे ठीक है सभी को हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे वेमेंस डे तो हम मनाते ही हैं ठीक है थेके? तो रोल सबका बराबर होता है तो मेरी तरफ से कह रहे हैं जगदीप जी कुछ कह रहे हैं गिजेपी मजानी टेंथ की हिस्ट्री बुक में हाँ जी हाँ जी जगदीप जी हाँ है फ्रेंच के मतलब फ्रेंच भी और इटली के भी राइटर्स ना हैं अगर आप नाइन्थ की भी और टेंथ की भी एन सी की किताब देखें ना और इलेवेंथ ट्वेल्थ की भी देखें तो काफ़ी पार्ट्स हैं लेकिन नाइन्थ और टेंथ की जो है वो यू ठीक है अमेरिका मतलब ब्रॉडली जो कंस्ट्रक्शन है ना उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली ही है तो ये राइटर उसमें भी हैं ठीक है तो मेरी तरफ से जो भी मेल मेम्बर्स हैं या जो फीमेल्स भी देख रही हैं उनके ब्रदर को भी और उनके हस्बैंड को भी उनके बेटे के लिए भी सबको हैप्पी वीमेंस डे तो नहीं लेकिन जैसे वो हमारे लिए मनाते हैं तो हैप्पी मैंस डे उनको सेलिब्रेट कीजिए ठीक है वैसे तो मेरा ये मानना है कि जब आप खुश होते हैं हर दिन कोई ना कोई डे होता ही है एडिटर नाइनटीन फोर्टी से लेके 44 में एक जर्नल था टुमारो वैसे तो कहते हैं टुमारो नेवर कम्स बट ये एक जर्नल था ठीक है किसके साथ लिखा था इन्होंने ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा अहमद अली तो ये जो सर हैं इनके साथ इन्होंने इस जर्नल को कभी मतलब ये वाला जो है को एडिट किया था को मतलब कॉपरेशन हो गया एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई ठीक है तो इस जनरल को इन्होंने एडिट किया था तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कभी-कभार पूछ लेता है बिकॉज़ थोड़ा सा नाम इंटरेस्टिंग है टुमारो तो टुमारो नेवर कम्स ठीक है तो 43 से लेके 44 यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस एक और चीज है इनके बारे में कहीं हां कि एक और पर्सन थे इकबाल सिंह ठीक है एक वर्क इनका पढ़ेंगे हम उसको भी इन्होंने एडिट किया था ये भी इकबाल सिंह नाम के कोई पर्सन थे जैसे मैंने भी कहा ना कि राजा राम मोहन रॉय और जवाहरलाल नेहरू जैसी पर्सनालिटीज के साथ भी इन्होंने काम किया था यानी कि सोशल रिफॉर्मर्स से लेकर पॉलिटिशियंस तक तो गांधी जी को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे गांधी फिलोसफी ठीक है गांधी तो जो गांधी जी की फिलोसफी थी उसको भी ये पसंद करते थे और ये एज एन इंडियन ठीक है अगर आप पसंद करें किसी पर्सन को या नहीं करें बेसिकली पोलिटिकल तो, तो मेरा तो अपना अलग डिफरेंट नजरिया है चीजों को लेकर लेकिन जब कोई अच्छी बात किसी राइटर की किसी लीडर को या किसी लीडर को किसी राइटर की मतलब कुछ इस तरीके से लगती है तो वो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए ठीक है तो अभी इनका एक वर्क भी है बैरिगेड्स करके ठीक है उसमें भी ये चीज देखने को मिलेगी अब बात करते हैं इनके वर्क की कैसे याद करेंगे वो आप देख लेना नॉवेल्स की बात करेंगे कांथापुरा द सर्पेंट एंड द रोप ठीक है और द कैट एंड शेक्सपियर है ना ऐसे ही है ना कैट एंड शेक्सपियर और ये तीन आपको पढ़ने पड़ेंगे ठीक है पढ़ो ना पढ़ो लेकिन कई बार पूछ लेता है अचक्का का कैरेक्टर किसमें से है या स्थल पुराण ठीक है मुझे याद है ये दो वर्क में से मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस बनते हैं ना क्या किसी भी स्टेट का एग्जाम देखो अगर राजा राव पे आ रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं मतलब 80 टू 85 परसेंट चांसेस है टेक्स्ट को और इसको जरूर लेगा तो आप यहां से हाँ जी गिन्नी जी हाँ जी जगदीप जी जो चेंजिंग इंडिया है वो एंथोलॉजी है उसमें बहुत सारे राइटर्स के बारे में बात किया है एक और इनका वर्क है फाइव इंडियंस करके है ना तो बात करते हैं अभी हेलो मानसी कश्यप जी तो ये तीन पढ़ लेना ठीक है यर्स अभी जिनके पता है तो बता दो वैसे तो पता ही होंगे कौन रैड कॉमरेड है कॉमरेड कॉमरेड किरी ऐसा लगेगा आपको जो फ्रेंच है जैसा साउंड करेगा वाक्य में हिंट वहीं से है द चेस मास्टर ठीक है वाक्य में जो चेस खेलते हैं ना उसके बारे में बात करते हैं दें चेस मास्टर एंड हिज नॉवल्स ईयर सेवेंटी सिक्स एटी एट कान और इसका तो पता ही होगा क्या हो गया 1930 बताओ 60 है कि 64 है कि 65 है मैसेजेस के मुझे लग रहा है जो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी 38 60 65 चलो आ गया आंसर 38 60 एंड 65 ठीक है तो ये तो हो गए में वर्क कि कांतापुरा में जब गए तो सरपेंट देखा किस पे था रोप पर रस्सी पर ठीक है वहां पे फिर क्या हो गया एक बिल्ली भी आ गई और एक पर्सन था जिसको कि शेक्सपियर कह के, के चिढ़ाया करते थे ठीक है इतने में वहां पर कॉमरेड कि आ गया ठीक है और फिर क्या हुआ लास्ट चेस खेलने के लिए वो लोग बढ़ गए कैसे आप याद करेंगे इनके वर्क का थोड़ा सा ध्यान रख लेना लेकिन तीन ऐसे जो मेजर फर्स्ट थ्री जो वर्क हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कांतापुरा द सर्पेंट एंड द रोप ज्यादा डीप में ना पढ़ें ठीक है किसी भी कैरेक्टर के अंदर बिल्कुल एंड तक ना जाएं मेजर कैरेक्टर पूछता है और ये पूछेगा सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है बायोग्राफिकल है ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ठीक है एक और चीज़ पूछ सकता है कि जो द सर्पेंट एंड द रोप मैंने पहले भी बोला था इसके बारे में कि ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है बहुत सारे लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल है लेकिन सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है ठीक है क्या रेफरेंसेस सबसे ज़्यादा हैं यूरोप एंड इंडिया तो अब क्योंकि यूरोप के बहुत मेजर हिस्से में रहे भी हैं ठीक है, है? काफ़ी काफ़ी साल रहे हैं पांच पांच छः छः साल रहे हैं वहाँ के लोगों को जाके लेक्चर्स दे रहे हैं तो ये चीज थोड़ी सी है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और यूरोप और इंडिया का डिस्क्रिप्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा ठीक है तो अब नॉवल्स हो गई अब शॉर्ट स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज फर्स्ट कोई अगर ऐसा हो कि जिसमें थोड़ा सा अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज बता देना द काउ एंड दैरीगेट्स बैरिकेट्स है बैरीगेट्स है वो जो लगा दिए जाते हैं ना येलो येलो कलर के जैम को रोकने के लिए ठीक है द पोलिसमेंट द रोज इसका ईयर बता दो क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ये बार वर्क पूछ लेता है ठीक है द काउ इन द बैरीगेट्स नेक्स्ट अच्छा मैंने एक का ईयर नहीं लिखा आज ऑन द गंगा घाट ऑन द गंगा घाट फोर्थ कलेक्टेड स्टोरीज नाम ध्यान रख लो बट कभी पूछेगा नहीं क्योंकि ऐसे नहीं पूछता कलेक्टेड स्टोरीज कलेक्टेड पोम्स ओनली पोम्स ऐसे वाले टाइटल नहीं पूछता ठीक है फाइव इंडियन स्टोरीज ठीक है क्या रह गया बस काउ एंड बैरीगेट्स 1947 चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जितने भी बैरियर्स थे वो हटा दिए गए है ना बैरीगेट्स जो ब्रिटिश थे उनको हटा दिया गया 1947 में क्या चीज है ये इसका जो थीम है ना वो गांधीज्म है यानी कि गांधी की जो फिलॉसफी है ठीक है उसके बारे में ये बात करता है इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा थीम आपको ध्यान रखना पड़ेगा द पुलिसमैन एन द रोज खुशी 1989 किसका ऑन द गंगा घाट का होगा है ना 1989 इन दो का पुलिस मैन को रोज दे रहे हैं। जो कि इसके ठीक है चेक कर लो ये 2003 है तीन साल पहले द पॉलिसमैन नाइनटीन सेवेंटी एट हांजी ठीक है ये वाला कलेक्टेड स्टोरीज 2014 थाउजेंड फोर्टीन मसली पब्लिश है ठीक है तो ये वाला जो वर्क है चांसेस बहुत ही कम है कि पूछेगा कलेक्टर द स्टोरीज 2014 हेलो सत्येंद्र जी क्या रह गया सोच रही हूँ बाद में लिख दूँगी क्योंकि इसके बाद तीन वर्क और हैं नॉन फिक्शन के अच्छा एक इनका वर्क है देखो जोवनी करके ठीक है ये जो वर्क है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट मुझे नहीं मिली लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि ये वर्क है राजा राव का तो प्लीज इसके बारे में ना जो भी इंफॉर्मेशन होगी अभी मैं ऑफलाइन जब हो जाऊंगी तो पहले मैं खुद कन्फर्म करूंगी देन आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन और द लिंक ऑन टेलीग्राम क्योंकि जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आ रही है कि भाई ये कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि राजा राव सर की बिब्लोग्राफी में ये चीज़ है बट एक्चुअल में है क्या शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है चलो ठीक है मान लिया बट इसके आगे क्या जोवनी इज अ स्टोरी हाँ जी गिन्नी जी स्टोरी तो है मतलब शॉर्ट स्टोरीज में कलेक्शन है बुक है जोवनी ठीक है किस तरीके की बुक्स हैं मुझे जरा वो कंफर्म करना पड़ेगा ये तो मुझे पता है कि ये है ये तो है ये कंफर्म कर लो ना एक दो बार ठीक है तभी तो ज्यादा बेटर रहेगा बताना बाकी इनमें से नाम सभी का याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंडियन फिलोसफी की बात करता है रोज़ क्या है प्योरिटी का सिंबल है लव या अफेक्शन का सिंबल है गंगा होली रिवर है हमारे लिए इंडियन स्टोरीज फाइव इंडियन स्टोरीज ठीक है ये थोड़ा सा टाइटल इंपॉर्टेंट है तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जोवनी तो जोवनी के बारे में इतना तो आपको पता चल गया है कि एक बुक है शॉर्ट स्टोरी के, के कलेक्शन है ठीक है उसमें खुद से भी एक स्टोरी है जो जोवनी के नाम पे दी गई है लेकिन इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गैदर कर लेंगे जब करेंगे तो आपको बता देंगे कुछ ऐसे वर्क इनके जिसमें कि इन्होंने नॉन फिक्शन कहे जाते हैं दरअसल हैं तो ये किताबें ही ठीक है पहला है चेंजिंग इंडिया किस तरीके का प्री इंडिपेंडेंस में था देन पोस्ट में था और ये तो 2006 थाउजेंड सिक्स तक रहे तो इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी क्या चीज़ है ये एंथोलॉजी है अब एंथोलॉजी क्या होती है एंथोलॉजी एक बहुत मोटी किताब होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है डिक्शनरी हल्के से हल्का वर्ड आप इसको समझ सकते हैं बट डिक्शनरी में होता है किसी वर्ड का स्टेटमेंट में या दो तीन वर्ड जितने भी मीनिंग है सिमिलर मीनिंग दिखा दिया एंथोलॉजी इन द सेंस कि वो पूरा आपको इंफॉर्मेशन का पूरा पैक देगा द ग्रेट इंडियन यही है ना द ग्रेट इंडियन वे अच्छा ये सेकेंड वर्ड है अभी तो कोई मैसेज नहीं आया ऐसा कैसे हो गया चेंजिंग इंडिया एंड एंथोलॉजी ठीक है द ग्रेट इंडियन वे ठीक है बायोग्राफर भी थे ना ये ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये पहले भी बोला है मैंने कि ये सपोर्ट करते थे गांधी एंड फिलोसफी को ठीक है गांधीज्म जो इनका थीम है वो था द काउ एंड द बैरीगेट्स में जो कि 1947 में इनका वर्क आया है ये वाला वर्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है ये बायोग्राफी है ठीक है इनकी बायोग्राफी नहीं है लेकिन ये ये भी इंटरेस्टिंग चीज है ये इनकी बायोग्राफी नहीं है ये वर्क जो आया था ये एम के गांधी के लिए उन्होंने लिखा उनकी बायोग्राफी लिखी तो 1998 में ये वर्क आया है चेंजिंग इंडिया इकबाल सिंह के साथ इन्होंने लिखा और एडिटर भी रहे ठीक है को एडिटर जिसकी मैं बात कर रही थी एक तो जो टमोरो नाम का जनरल था वो और एक ये क्या एरर दिखा रहा है भाई मैसेज नहीं आया अच्छा इसका पूरा नाम अगर आप देखोगे ना तो क्या चीज़ आपको बहुत लंबा सा नाम है बट फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय ठीक है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना से लेकर पंडित नेहरू तक ठीक है टाइटल में ही ये चीज दी गई है जिसके बारे में बोला कि सोशल रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय से लेकर सती प्रथा या वेडोरी मैच के बारे में उन्होंने बात की थी उनसे लेकर पॉलिटिशियन तक इन्होंने काम किया तो चेंजिंग इंडिया ईयर नहीं भेजा किसी ने मुझे ही लिखना पड़ेगा 1939 ठीक है पूरा नाम नहीं देगा सिर्फ चेंजिंग इंडिया देगा क्योंकि इतना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं बना सकता चेंजिंग इंडिया देगा ठीक है तो ये हो गई इनकी स्टोरीज मतलब बुक ही है बट नॉन फिक्शन में कही जाती है कि भैया हिस्ट्री में आप एक तरीके से चेंज नहीं कर सकते एक और वर्क है इनका वो ट्रैवल लिटरेचर है जैसे जैसे ये घूमे ना जैसे हम ट्रैवल लॉक कह सकते हैं जॉनर की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल लिटरेचर है क्या है द मीनिंग ऑफ इंडिया नॉन फिक्शन है इंडिया के बारे में बात करते हैं इंडियन फिलोसफी जैसे कि वैदांतिक फिलोसफी कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं ये वर्क आया है इनका नाइनटीन में तो मीनिंग ऑफ इंडिया या चेंजिंग इंडिया इन्हीं का वर्क है ठीक है दोनों वर्क अलग अलग हैं मिक्स मत कर देना और लास्ट चीज़ जो मुझे इनके बारे में डिस्कस करनी है वो है इनके अवार्ड्स बस ठीक है अवार्ड्स को डिस्कस कीजिए और बस खुश रहिए ऐसे ऊपर ही लिख देती हूँ कितने अवार्ड मिले इनको तीन चार चलो देख लेते हैं ठीक है द अर एंड द रोप के लिए भी मिला ना पहले मिला इनको जो हमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट है अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है जैसे जितना ही इम्पॉर्टेंट नोबल प्राइज़ रहता है ना कि भाई नोबल प्राइज विनर है ठीक है वो तो बाहर का दिया हुआ है ना कि किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पे वो अवार्ड रख दिया गया दरअसल हमारे लिए क्या है सबसे ज़्यादा जो इंडिया का नेशनल ड्रामेटिक जो अवार्ड है ना इन टर्म्स ऑफ राइटिंग की बात कर रही हूं मैं वो साहित्य अकेडमी अवार्ड है पूरी की पूरी एक अकेडमी है जिसे अकादमी बोलते हैं वैसे तो ठीक है अब तो अकेडमी लिखा जाता है बट ये अकादमी है तो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला दूसरा पद्म विभूषण ये अवार्ड याद रखना है क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो चार होते हैं उसमें से ये भी है थर्ड एक बाहर का इन्हें अवार्ड मिला जिसका कि बड़ा ही अजीब सा नाम है न्यू एलडी डीटी न्यू स्टार्ट ठीक है टी वैसे साइलेंट है न्यू स्टार्ट इंटरनेशनल प्राइज अब ये इंटरनेशनल प्राइज भी जरूरी है क्योंकि दिया तो गया है लिटरेचर में ही प्राइज फॉर लिटरेचर ठीक है तो इसका ज़रा ईयर बता देना मुझे पता है वैसे तो पता ही होगा लेकिन फिर भी पूछना मेरा काम है ना पद्म भूषण वैसे पद्म भूषण पहले मिला था और विभूषण बाद में मिला था बट चलो कोई नहीं मेन तो याद करने से है ना हेलो करमनदीप सिंह जी स्टडी टीम कहता है नाइनटीन सिक्सटी फोर तो वो तो ये हो गया ठीक है और फिर क्या आ रहे है आंसर नाइनटीन एटी एट वो ये वाला है नाइनटीन एटी एट ठीक है दो रह गए नाइनटीन सिक्सटी नाइन वो ये वाला होगा विभूषण ये मिला था सबसे लास्ट में टू थाउजेंड सेवन है ना पोस्टो मसली मिला यानी कि मरण उपरांत जिसको बोला जाता है तो राजा राव को आज हमने कर लिया एज सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ रीडर हमारे इंडियन राइटर थे कन्नड़ लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं ब्रॉडली बहुत सारे कल्चर्स का इनपे इम्पैक्ट मिला तो बहुत कुछ लिखा है कांतापुरा नहीं छोड़ना द कैट एंड द शेक्सपियर की स्टोरी नहीं छोड़नी द सर्पेंट एंड द रोप नहीं भूलना ठीक है बाकी के जो नाम थे चेंजिंग इंडिया हो गया द मीनिंग ऑफ इंडिया हो गया द काओ एंड द बैरिगेट्स हो गया इनके नाम भी ध्यान रखने हैं चलो जी दो इंडियन राइटर्स हो गए वैसे तो कायदे से तीन हो जाते हैं बट सोचते हैं अभी कब मिलेंगे ठीक है अच्छा तो फ्रॉम माई साइड पे गुड नाइट पढ़ते रहिए ठीक है चेके? और हाँ हाँ मुझे एक चीज़ डिस्कस करनी थी वैसे मैंने ग्रुप पे डिस्कस किया था यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की वैकेंसी ऐसे मतलब डरा रहे थे लोग कैंसिल 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 अरे नहीं कैंसिल नहीं हुई है ठीक है कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है उसमें एक बहुत ही प्यारी लाइन उसमें लिखी गई थी कि भाई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लोगों को इंक्लूड करना वो भूल गए थे तो अब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट का रूल है अगर एक भी वैकेंसी प्लस में जाती है या माइनस में जाती है यानी कि घटती है या बढ़ती है अगर एक भी घटती है वैकेंसी या बढ़ती है तो भी जी ओ आई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल है कि पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट फिर से निकलता है ठीक है तो यहाँ पे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया भाई किसी रीज़न से लोग चाहते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को भी लाएं और डिमांड भी है और ज़रूरत भी है तो इसीलिए वो चीज़ डिले हो गई है प्लीज़ ये ना सोचें कि वैकेंसी गायब हो गई है गायब नहीं हुई है थोड़ा सा पेशेंस रखें वैकेंसी आएगी अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है मोरल को डाउन नहीं करना है और एक चीज़ तो चलो ये हो गई कि वैकेंसी आएगी दूसरी चीज़ एच टेट अगर किसी ने नहीं भरा है और भरना चाहते हो बिकॉज अम्बाला और कुरुक्षेत्र थोड़ा सा ही फ़र्क रह जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपको भरना चाहिए ठीक वैकेंसी है वैकेंसीज आती हैं और एच अदर स्टेट्स वाले लोग दे सकते हैं तो आपको भरना चाहिए बाकी आपकी मर्जी हेलो दीपक शर्मा जी नमस्कार 2000 राजा राव अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी हमें क्या डिस्कस करना है कि इनके नाम पे जो अवार्ड मिला है वो इनको दिया गया है क्या सवाल ये है सबसे मेजर जो सवाल है वो ये है कि क्या इनके नाम पे वो चीज़ दी गई है ठीक है मुझे याद है मैंने एक का करा था कि टी एस एलियट प्राइज़ किसी पर्सन को दिया गया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कंटेम्प्रेरी राइटर्स या मॉडर्न मॉडर्न तो नहीं था कंटेम्प्रेरी राइटर्स को डिस्कस कर रहे थे तो उनमें से कुछ लोगों को टी एस एलियट प्राइज़ मिला था और एक दो और फेमस पर्सनैलिटीज़ थी जिन राइटर्स के नाम पर अवार्ड दिया गया था अब बात यह है कि राजा राव को खुद ही राजा राव को अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा तो राजा राव नाम पे जो अवार्ड है वो अगर किसी राइटर को दिया गया है तो जब हम पढ़ेंगे तो उनको डिस्कस करेंगे ठीक है सवाल कैसे बन सकता है वो ज्यादा मायने रखता है क्योंकि सारा खेल ही सवाल को समझने का होता है ठीक है तो मेरी तरफ से हैप्पी गुड नाइट वेद मित्र आर्य जी हेलो नमस्ते वेलकम है आपका और बहुत सारे लोग मीन वाले ऐसे हैं जो दूर दूर से अलग अलग जगह से अलग अलग एज ग्रुप से देख रहे हैं तो मेरी तरफ से दिल खोल के सभी को प्यार सभी का वेलकम ठीक है और बहुत लकी हूँ मैं कि देखते हैं लोग चलो जी गुड नाइट हैप्पी गुड नाइट अब कल मिलेंगे कल करते हैं मुल्कराज आनंद को है ना पढ़ लीजिए और खुश रहिए हैप्पी गुड नाइट